हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं महेश टेक सॉल्यूशन चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने एक यूज़फुल ऐप के बारे में बताया है जो कि सबके यूज़ की है। वो एक डॉक्यूमेंट स्कैनर है जिसके लिए आजकल सब लोग परेशान हैं, क्योंकि एम स्कैनर तो ऐप प्ले स्टोर से हटा ही दिया गया है। लेकिन ये ऐप यूज़ करने के बाद आपका एम स्कैनर को भूल जाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऐप को डाउनलोड करने के लिए सिंपली हम लोग प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करेंगे फास्ट स्कैनर। फास्ट स्कैनर सर्च करने के बाद हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन आया है ब्लू कलर से, इसे हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है। उसके बाद हम लोग इसे ओपन करेंगे तो ये परमिशंस मांगेगा, इसे अलाउ कर दीजिएगा। इसके बाद मैं आपको डॉक्यूमेंट एक स्कैन करके दिखाऊँगा। डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए आप कैमरे की यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कोई फाइल गैलरी में है तो आप फाइल को भी इंपोर्ट करके उसे भी स्कैन कर सकते हैं। ये मैंने डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए इसकी क्वालिटी कितनी बेस्ट है। आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको ये जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए क्वालिटी का कितना अच्छा क्वालिटी है। बाकी इसमें और भी काफ़ी फीचर्स हैं, कलर्स के फिल्टर्स हैं अलग अलग जो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें अलग अलग फिल्टर्स जो हैं, ये देखिए कुछ अलग अलग कैटेगरी के हैं। इसमें आप ब्लैक एंड वाइट भी दोबारा से कर सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी यूज़फुल ऐप है, आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि कैम स्कैनर को बैन होने के बाद काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि कुछ स्कैनर इतना बेस्ट काम नहीं करते हैं। फाइल स्कैन होने के बाद दोस्तों, हम लोग इसे अपने गैलरी में सेव कर सकते हैं, स्टोरेज में सेव कर सकते हैं, डायरेक्ट शेयर भी कर सकते हैं। तो सारे फीचर इसमें अवेलेबल हैं दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।